very important topics, antigen और एंटीबॉडी। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है? इसको हम हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। एंटीजन कोई बीमारी पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यह जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, फंगस हो सकता है, ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिक जो बाहर से शरीर में एंट्री करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट किसी का भी बना हो सकता है। एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा इम्यून सिस्टम जब सक्रिय हो जाता है तो क्या बनाने लगता है? इस प्रतिजन को रोकने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाने लगता है। ऐसे विशिष्ट प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है और हमारे शरीर को क्या देती है? सुरक्षा देती है। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ऐसी एंटीबॉडी जो ब्लड में पूरी अवस्था में पाई जाती है, डिजाज स्टेज में पाया जाता है, ऐसे एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा होता है। देखिए कैसा है? वाई अक्षर जैसा होता है। इसमें दो लंबी तथा दो छोटी, टू लाइट और टू हैवी चेन पाया जाता है। देखिए ये इसकी हैवी चेन है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है, और यह इसकी कौन सी है? लाइट चेन है, छोटी चेन है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली है। एंटीबॉडीज कितने तरह की होती है? एंटीबॉडीज हमारे शरीर में कितने तरह की होती है? फाइव टाइप, पांच तरह की होती है। कौन कौन? आई जी ए, आई जी थ्री, IgG, IgE, IgM। इसमें से जो IgG और IgD और IgE होती है वो किस रूप में पाई जाती है? वो मोनोमर के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? वो मोनोमर सिंगल यूनिट के रूप में पाई जाती है। जो IgE है, जो IgA है, इसमें कितने मोनोमर्स होते हैं? इसमें दो मोनोमर्स होते हैं, टू मोनोमर्स होते हैं। और जो IgM है इसमें कितने मोनोमर्स होते हैं? इसमें 5 मोनोमर्स होते हैं। IgA किसमें उपस्थित होती है? याद रखिए, IgA सलाइवा में, टीयर्स में, कोलेस्ट्रॉल में, सलाइवा, लार में, टीयर्स, आंसू में, कोलेस्ट्रॉल, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, माँ का जो पहला दूध होता है उसमें एंटीबॉडी ये पाई जाती है। ऐसे मिल्क को हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। IgD कहाँ पाई जाती है? सरफेस ऑफ डिश है, बीजा कोशिकाओं के, बी कोशिकाओं के, प्लाज्मा कोशिकाओं के सतह पर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgD। और ये एंटीबॉडी के संश्लेषण को क्या करती है? प्रेरित करती है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ IgE है, ये कौन सी एंटीबॉडी है? एक ऐसी एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में एलर्जी, हमारे शरीर में एलर्जी प्रतिक्रिया, सर्दी जुकाम ये सब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। एलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, एलर्जी वाली प्रक्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में किस एंटीबॉडी का उत्पादन होता है? IgE। इस तरह से पांच प्रकार की एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनती है। एंटीबॉडी का आकार हमने बताया है कि किस तरह का होता है, अंग्रेजी के वाई अक्षर जैसा होता है। इसमें कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती है? इसमें फोर चेन पाई जाती है, टू लाइट चेन और टू शॉर्ट चेन पाई जाती है, टू लाइट चेन और टू हैवी चेन पाया जाता है। ये देखिए हैवी चेन है और बगल में ये कौन सा है? शॉर्ट चेन है। ये दोनों जो हैवी चेन होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हिंग रीजन से जुड़े होते हैं। ये देखिए ये एंटीबॉडी का वह पोर्शन है जो एंटीजन से क्या करता है? जुड़ता है। एंटी जेन बाइंडिंग साइट, कौन सा साइट? एंटीजेन बाइंडिंग साइट।
इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट यह वह स्थल है जहां पर एंटीजन क्या करते हैं, आके जुड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट होता है। इसमें दो चेन जो होती हैं, इनको हम, जो बड़ी चेन होती है उनको हम एच टू, और जो छोटी चेन होती है उसको हम एच टू द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए ये वेरिएबल रीजन ऑफ नाइट चेन, नाइट चेन भी दो भागों में बटी होती है। इसके इस पहले भाग को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ नाइट।